अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि आज काफ़ी मतलब ट्रेवल के बाद जो है फाइनली हमें लाइव स्नो देखने को मिल गया है, और मतलब ऐसा स्नो मैंने अपने लाइफ में पहले कभी नहीं देखी। और अभी मार्च का महीना हो रहा है तो मार्च में इतना स्नो कभी नहीं देखी। और आगे जो है हम हाइक करने वाले हैं ऊपर, वो पूरे मीडोज़ है, लेकिन अभी मीडोज़ का कोई पता नहीं चलेगा क्योंकि स्नो जो है 3-4 फुट तक तो पड़ ही चुकी है, ये आप लोग देख सकते हो। तो चले व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर जो है स्नोफॉल जो है रोड से हटाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं पूरा जो है 2-3 फुट तक बर्फ़ पड़ी है। यहाँ से आगे तो बिल्कुल ही मुश्किल होता जा रहा है, यहाँ से पूरा सीन जो है नज़र आ रहा है, क्योंकि नीचे आप लोग देख सकते हो वो पूरा स्नो से कवर हो चुका है एंड ऑलमोस्ट 4 फीट तक जो है स्नो पड़ चुकी है। एंड यहाँ पर अभी मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि मेरा पाँव जो है पूरा ही अंदर मतलब स्नो में जा रहा है। हाँ जी, कैसा लग रहा है? जबरदस्त। हाइकिंग में तो कोई मसला नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई। हाँ जी, तो वैसे भी हर रोज आते रहते हैं स्नोफॉल, इसमें आगे कितना मतलब और ट्रेवल करना पड़ेगा? आगे तकरीबन हमारे जैसे लोगों के लिए बस 7-8 मिनट। 7-8 मिनट और हमने स्नो में ट्रेवल करना है, और अभी स्नो जो है 5 फीट से ज़्यादा है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पाँव जो है बिल्कुल फुल। अभी और हमने 2 किलोमीटर्स और ट्रेवल करना है पैदल, और स्नो जो है अभी ज़्यादा हो गया है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम मुश्किल हो रहा है। अभी जितना ही आगे हम जाते हैं तो आगे एक ही ट्रैक बना हुआ है, साइडों पर तो बिल्कुल ही 5 फीट तक स्नो पड़ी है, और साइड पर अगर मैंने थोड़ा सा भी पाँव रख लिया है तो ये फुल मैं दब जाऊंगा। बट एक ही ट्रैक बना हुआ है और वो ही मेरे फ्रेंड्स ने ही बनाया हुआ है, वो आगे जा रहे हैं। बाकी साइड पे स्नो ही स्नो है, अभी भी काफ़ी मुश्किल है जाना। मेरा भी अभी सांस बहुत ही फूला हुआ है, और अभी जब हम ऊपर टॉप पे पहुंचेंगे तो फिर कोई और ही व्यू होगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं स्नो में आ रहा हूँ इस एरिया में। इससे पहले भी मैंने व्लॉग बनाया था लेकिन वो समर में था, पूरी ग्रीनरी होती है यहाँ पर, वो भी आप लोग जाके चेक कर सकते हो। सुनने में तो यही आ रहा था कि यहाँ पर स्नो में जो है काफ़ी सर्दी होती है, लेकिन नहीं, कैप भी उतार दिया मैंने और बिल्कुल नॉर्मल मौसम है। मुझे तो गर्मी लग रही है, पसीना भी आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है आप लोग थक गए हैं। थक गए आप लोग? नहीं, आप लोगों के लिए रुके हम। अच्छा, मैं तो व्लॉगिंग कर रहा था इसलिए। अच्छा, हाँ, कंपटीशन करनी? नहीं नहीं, आपके साथ नहीं करनी। ये कितने फुट तक होगी लंबाई? हाँ, स्नो की? स्नो की 4 फुट। 4 फुट? 4 फुट तक दे। और अभी भी और पड़ रही है, ज़्यादा हो। पूरे एरिया में जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब सीनरी, यहाँ पर आप लोग ट्रीज़ वगैरह देख सकते हैं कि पूरा जैसे कॉटन की लगी हो, जैसे इसके ऊपर कॉटन लगी हो, पूरा जो है वाइट हो चुका है और पूरा जो है व्यू इसने बना दिया है। और अभी भी यहाँ पर स्नो पड़ रही है, स्नो फॉलिंग अभी भी स्टार्ट है, और इसको जो है इस एरिया में मतलब हमारे एरिया में इसको जो है स्नो फ्लावर्स कहते हैं, क्योंकि फ्लावर्स की जगह आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे वाइट वाइट फ्लावर्स। डाइव डाइव डाइव। ओह, यहाँ पर जो है डस्टबिन आप लोगों को सामने नजर आ रहा है कि पूरा ही दब गया है स्नो में फुल। पहुंच गया आखिर टॉप पर मुनीबुल्ला, तो कैसा लग रहा है? स्नोफॉल भी हो रहा है उसके अलावा जो है, लेकिन यह कि स्नो बहुत ही ज्यादा है यार। ये कितना है? 5 फीट तक तो होगा। यार 5।
सो फिलहाल लास्ट मील है मेरा और व्लॉग मैं अभी ख़त्म करने जा रहा हूँ क्योंकि स्नोफॉल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी, कैसा लग रहा है चाय और स्नो? ज़बरदस्त यार, चाय का ज़ायका भी चेक कर ले। कैसे लग रहा है यार, मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। सो अभी हम टॉप से जो है नीचे की तरफ जाने लगे हैं और व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो व्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट में बता देना, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।